पंचकुला में एक पार्षद पर चाकू से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पंचकुला वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस पार्षद पंकज पर एक युवक ने हमला किया। आरोपी ने तेज धार हथियार से कांग्रेस पार्षद पर हमला किया। पार्षद को घायल अवस्था में पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल पार्षद का कहना है कि उन्होंने नशे के खिलाफ कुछ दिनों से अभियान चलाया हुआ है और इसी के चलते उन पर हमला हुआ है और हमला करने वाला भी नशे के कारोबार में सम्मिलित है। घटना पंचकुला के सेक्टर 16 की है। नशे बेचता है गांजा गुंजा। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी या कैसे है? बातचीत तो क्या थी जी, उसने ऑफिस के अंदर मैं और मेरी माता बैठी थी, वो तो पूरी मारने की तैयारी में आया था, उसने निकाल के सर में मारा, मैंने बचाव कर हाथ में भी मार दिया, मार के भाग गया। ये गांजा बेचते हैं जी सरेआम। कितने लोग थे जी? ये अकेला आया है जी, अकेला आया जी, पूरा दलेर बन के पूरा गांजा दारू सब बेचते हैं। नाम कुछ नहीं पता जी, ये शिवा के अड्डे पे काम करता है, मुझे इतना पता है। मेन मुखिया इसका शिवा है जी, शिवा राहुल, ये दो नाम है जी। वही वारदात के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ कर जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सेक्टर 16 चौकी का घेराव भी किया। लोगों की भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। वहीं घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई भी चौकी पर पहुंचे। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। सेक्टर 16 में एक एमसी है कांग्रेस के पंकज, उन पर एक युवक ने हमला किया है और एमसी का आरोप ये भी है कि वो युवक जो है नशे बेचता है और उसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी थी जिसके चलते हमला किया गया। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है? पुलिस जो है अपनी कानून के अनुसार इसमें कार्रवाई कर रही है। पंकज जी को जो है इसमें जो चोटें आई हैं उनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट हमने ले ली है, अभी उनसे स्टेटमेंट देने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से पंकज और उसके फादर दलबीर ने जिन जिन लोगों के नाम हमें बताए हैं उनके लिए हमने रेडिंग पार्टीज भेज दी हैं, पर अभी इनिशियल स्टेज है और हमारी रिक्वेस्ट यही है पंकज जी से कि वो अपनी स्टेटमेंट दें। तो जिससे हमला किया गया क्या हथियार था सर और युवक की पहचान हो चुकी है? ये अभी स्टेटमेंट एक बार उनकी आ जाए तो बाकी एमएलआर में अभी जितनी भी चोटें हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, कोई ऑर्थो ओपिनियन है और कोई सीटी स्कैन। तो जो हमलावर था उसको भी पब्लिक ने पीटा? मुझे जो अभी प्राइमा फेसी पता लगा है कि उसको भी पब्लिक ने पीटा है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मुझे सारे जो है अभी इन सारे एंगल्स को देख के हमारी टीम में काम कर रही हैं और हम दलवीर जी को और पंकज जी को और सबको यही बता रहे हैं कि ये हम अपने एक्शन पे बहुत तेजी ला रहे हैं। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, देखना होगा कि जांच के दौरान मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी वी चंडीगढ़।